हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आर चैनल दोस्तों हर साल इंडिया से लाखों बच्चे कनाडा इमिग्रेट करते हैं फॉर द हायर स्टडीज और उनमें से एक मेजॉरिटी का गोल होता है कि वो वहां पे जाके सेटल होंगे वहां पे जाके अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे और कनाडा में जाके पीआर अटेन करेंगे लेकिन जब हम बात करते हैं पीआर की तो पीआर से पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं जो कि बहुत मैंडेटरी हैं इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंसी और एक मेजर स्टेप है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का लेकिन उसके भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो कि बच्चे को पूरी करनी होगी तभी जाके उसको वर्क परमिट मिल पाएगा आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ इस स्टडीज तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कौन से कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक बच्चे को फुलफिल करनी होती है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर वर्क परमिट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफिस स्टडीज अब अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की तो वर्क परमिट की बेसिकली चार मेजर रिक्वायरमेंट्स है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एक स्टूडेंट को एक डीएलआई में स्टडी करनी होगी अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी इन अ डीएलआई। अब डीएलआई बेसिकली रेफर्स टू डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन तो कैनेडा की गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि उन्होंने हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट किया है और इससे ये प्रूव होता है कि वो उसको रिकोगनाइज करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन कि वहाँ पे बच्चा के स्टडी कर सके सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि एक बच्चे को एक डी में स्टडी करनी होगी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर वर्क परमिट द सेकेंड रिक्वायरमेंट इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है डैट शुड बी एटलीस्ट ऑफ एट मंथ्स अब अगर एक बच्चा आके एक डी एल आई में स्टडी कर रहा है तो वही एक कंडीशन नहीं है इसके साथ एक और कंडीशन एसोसिएटेड है कि जो कोर्स वो आगे पढ़ रहा है चाहे वो एक सर्टिफिकेट है या वो एक डिप्लोमा है उसको एटलीस्ट एट मंथ्स का टाइम पीरियड होना चाहिए सो डैट ही कैन बी कंसिडर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट द थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी जो बच्चा के वहाँ पर स्टडी कर रहा है उसका जो एंड रिजल्ट है उसकी जो आउटकम है वो एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट हो या एक डिप्लोमा हो अब अगर हम बात करें बैचलर डिग्रीज की या मास्टर्स की तो वो तो बहुत हाई लेवल ऑफ स्टडी है लेकिन जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कि एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट मिले बच्चे को या एटलीस्ट एक डिप्लोमा मिले कि हाँ उसने ये पर्टिकुलर कोर्स की उसने स्टडी की है कैनेडा में आके और जो लास्ट मेजर रिक्वायरमेंट है वो है कि स्टूडेंट को एक फुल टाइम स्टेटस अपना मेंटेन करना होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी तो जो वहाँ पे बच्चा की पढ़ाई कर रहा है जैसे मान लो किसी बच्चे की दो साल की पढ़ाई है तो उसको वहाँ पे उस पढ़ाई को फुल टाइम करना होगा उसका जो एक स्टेटस है बच्चे का वो उसका फुल टाइम होना चाहिए और जो भी आपका स्टेटस होगा ना वो आपको अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर आपको मैंशन किया गया होगा बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपको वो ऑफर लेटर आया है तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपका क्या स्टेटस होगा तो आपको वहाँ पे एक फुल टाइम स्टेटस ही रखना है और ये जो स्टेटस है ये बाकी सेमेस्टर्स को काउंट किया जाता है जो आपका लास्ट सेमेस्टर या जिसमें आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसको काउंट नहीं करते और ब्रेक्स को भी आपको इसमें काउंट नहीं करते लेकिन जो आपके सेमेस्टर्स हैं जिसमें आपकी स्टडी की जा रही है उसमें आपको एक फुल टाइम स्टेटस अपना मेनटेन करके रखना है तो जी इतनी चार मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ़ यू स्टडीज़ और अगर आप इन चार रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो देन यू आर फुली एलिजिबल फॉर वर्क परमिट आफ्टर योर स्टडीज़ एंड येस डैट इज़ इट फॉर टुडे वी होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई देन लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ़ यू आर न्यू टू अर चैनल देन डू सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में